दिखा रहे हैं यहाँ पे चट्टान खिसकने के कारण रास्ता बंद हो गया है। अभी जेसीबी लगी हुई है रास्ता खोलने के लिए, तो जैसे ही रास्ता खुलेगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जाम लगा हुआ था लेकिन रास्ता खुल गया है और गाड़ियों को आना जाना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम लोगों को भूख लगी है तो खाना तो ज़रूर खाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है, यहाँ पे भैया से बोला गया है तो इन्होंने रोटी और सब्जी का इंतजाम कर दिए हैं। तो रोटियाँ देखिए बना रहे हैं, ये रोटी बना रहे हैं, यहाँ पे खाएंगे रोटी फिर आगे जाएंगे। यहाँ भीड़ कब होती है सर जी? भीड़ कब होती है? कब भीड़ होती है? हम मई जून में। हाँ, तो इस समय मतलब ये ऑफ सीजन है? हाँ, ऑफ सीजन। अब थोड़ा बरसात जो है थोड़ा उसमें जो है थोड़ा वो कर रखा है, जैसे बरसात मतलब सही हो जाए। बरसात की वजह से लोग डर करके नहीं आते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा इससे डरते हैं लोग, बरसात से कैसे टूट फूट हो जाते हैं, उस कारण जो है यात्री जो अभी नहीं चलता है। नहीं तो यहाँ पे आप ढाबा चलाते हो या बस? बहुत बुरा, पूरा भीड़ रहता है, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, आदमी को जब फुर्सत भी नहीं। लेकिन इस समय आप लोगों ने बंद किया? बंद तो नहीं किया, फिर चल ही रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। चलो भाई साहब लोग खाने के लिए बैठे हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, लगी भूख लगी है। कोई नहीं, रोटी बन रही है तो खाते हैं फिर चलते हैं यमुनोत्री को। तो आखिरकार हम लोग यमुनोत्री धाम पहुँच ही गए और यह यमुना का द्वार, और यहाँ से हम लोगों को पैदल यात्रा करनी है। तो 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है जहाँ पर माता यमुना का मंदिर है। तो यहाँ पर अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे और उसके बाद पैदल यात्रा करेंगे। हम लोग पहुँचे हुए हैं जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से माँ यमुना का मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर है, पैदल जाना पड़ता है। ये जानकी चट्टी। हम लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे सीधे और यहाँ से फिर पैदल यात्रा है। तो गाड़ियों के यहाँ पे पार्क लगाया जा रहा है। ये देखिए जमुना जी की धारा। हम लोगों ने यमुनोत्री का चढ़ाई शुरू कर दिया है और अभी बैठ के आराम कर रहे हैं। देखिए प्रकाश जी सांसें फूलने लग जा रही है, तो पहली बार भी बैठे हैं। और यहाँ से 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर यात्रा हमने कर लिया है और पीछे माँ यमुना का धारा और मंदिर 5 किलोमीटर यहाँ से है, पैदल चढ़ाई है सीधी। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अब देखो भाई, कुछ लोग घोड़े से भी यात्रा करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि बेजुबान जानवर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। हम लोग थोड़ी देर चलते हैं, सांस फूलने लगती है, लेकिन यार जानवरों के साथ ज़्यादती होती है, ऐसी यात्रा का क्या फ़ायदा। और इस समय भीड़ नहीं है, यात्रा बहुत कम लोग करने आ रहे हैं। सांस यार फूलने लग जा रही है, अभी 5 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर मुश्किल से आए हैं भाई। और यहाँ से
चलो कुछ तो घटा 475 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर। जय माया मुने। और यहाँ पे अगर आपको पालकी करनी है तो 170 रुपये किलो आपकी वेट के हिसाब से, आपका जितना वेट है 170 रुपये किलो। अरे तुम्हारे रात क्यों हुआ? तो एड़ी को छोड़ो, सो तो एक हजार दे दो। हाँ थोड़ा चोर भैया। भाई थोड़ा सा प्लेन मिला है तो बहुत आनंद आया और जल्दी जल्दी पैर चलने लग गए और आगे का ये रास्ता है। और यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, जब भी आपको प्यास लगे कुछ कदम पे आपको ऐसे झरने मिल जाएंगे तो आप पानी पी सकते हो, बिल्कुल फ्रेश वाटर। देखिए झरने हैं। भैया ये लोग घोड़े कच्चा पे पूरे लगे हुए हैं और फिर दूसरी बार हम लोग आराम कर रहे हैं। तो यहाँ से दूरी हो गई 4.5 किलोमीटर। लगभग 4 किलोमीटर। हम क्यों बढ़ा लिए हैं, नहीं चल सकता। और जय माँ यमुना। हम लोग इस गेट के पार आ गए, यहाँ पे माता यमुना का गेट बना हुआ है। बाबूजी। और यहाँ से यमुनोत्री 4.5 किलोमीटर आगे सकते हैं। घोड़े कर लो, घोड़े घोड़े।
यमुनोत्री से माँ यमुना का पानी आता है। अरे यहाँ पे जहाँ छोड़ हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और देखिए वो रहा गेट, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं चढ़ करके। सांसें फूलने लग जा रही है। अरे यहाँ पे गेट है, भाई बहुत है। ऊपर बादल भी बन रहे हैं। ये देखो भाई घोड़े खच्चर वालों का काटा लगा हुआ है। लोग सुबह के गए थे तो वापस आ रहे हैं और हम लोग अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और यह पालकी देखो, ये पालकी में आ रहे हैं। तो इनका पालकी का रेट है 170 रुपये किलो। यहाँ मतलब 3-4 किलोमीटर बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं और दिल की धड़कन बहुत तगड़ी हो जाती है, आराम करना पड़ता है। और देखिए मनोरम दृश्य, काफ़ी ऊंचाई से झरना आ रहा है। ऐसे ऐसे भयानक भयानक पत्थर हैं, देख के डर भी लगता है। चलें सर आगे। क्या हो गया बाबा जी, थक गए? अच्छा अच्छा थोड़ा सा प्लेयर मिला भाई, सांसें फूल रही थी, थोड़ा सा प्लेयर मिला है। जय माँ यमुने। और ऊपर मौसम बादल का बना हुआ है। जगह जगह पहाड़ों से पानी टपक रहा है। ये देखिए रास्ता है, अभी ऊंचाई पे चलना है।
सांसें फूल रही है भाई साहब, लेकिन यहाँ का व्यू देख के बड़ा आनंद आ रहा है। ये देखिए, और हम लोग जा रहे हैं माँ यमुना मंदिर, और ये देखिए माता यमुना का जलधारा कितनी वेग से चल रही हैं। और ये पुल है पार करने के लिए, क्योंकि इसमें एक और धारा आके मिल रही है। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं भाई। और देखिए रास्ता है चढ़ाई का, 10 कदम चल के थकावट आ जा रही है। और ये महेंद्र यहाँ पे बैठ गए आ करके। गजब का है सीन भाई, कभी इधर से भी रास्ता हुआ करता था, लेकिन लैंड स्लाइड हुआ और सारा ये नीचे आ गया मलबा, तो ये रास्ता इधर से बंद हो गया है। और ये सीढ़ी है, तो एक एक कदम हम लोग मंदिर के नज़दीक होते जा रहे हैं। और भाई हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं यमुनोत्री की चढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, और नीचे माँ यमुना की धारा, और समुद्र तल से ऊंचाई 2853 हज़ार फुट है। और ऊपर बिल्कुल बादल घने लगे हुए हैं, और यहाँ से माता के मंदिर की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। और मंदिर कुछ ही दूरी पर है, और हम लोग यहाँ पर थक चुके हैं, बिल्कुल थक करके बैठ चुके, सांसें फूल रही हैं, और मौसम बहुत ही ख़राब हो गया इस समय, और सामने देख रहे हैं बिल्कुल बादल सिर पे हो गए हैं, तो कभी भी बरस सकते हैं। और इनसे यही प्रार्थना करूँगा भाई कि अभी रुक जाओ, अभी मत बरसो, एक आध घंटे। देखिए यमुना माता का ये मंदिर का रास्ता है, हम लोग नीचे से आ रहे हैं, और अभी 1.25 किलोमीटर और चढ़ना है। चलें साहब, चलिए।